रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम मणिकरण से वापस आ गए हैं। हार्डली 5 or 6 किलोमीटर से दूरी पर है मणिकरण और कसोल। कसोल जो आ जाता है थोड़ा सा जस्ट लाइक है मैकलोडगंज, अभी जो धर्मशाला वगैरह गए होंगे तो उनको पता होगा, तो वैसी ही यहाँ की फीलिंग है। लेकिन बहुत अच्छा है, खुला है। मैकलोडगंज में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आती है हमें कि ट्रैफिक और पार्किंग की ज़्यादा इशू रहता है। यहाँ पर पार्किंग का इशू नहीं, क्योंकि ऑन द वे है, तो बहुत सारे होटल यहाँ पर बने हुए हैं शानदार, तो काफ़ी पब्लिक भी यहाँ पर इंजॉय कर रही थी। और ज़्यादातर मैंने जो फेस मतलब सकते हो देखा है, यंगस्टर ज़्यादा है। ये जो आउटर में होटल जितने भी हैं हम देख रहे हैं, ये रेंज शुरू रहती है 2000+ टैक्स के साथ। और अभी हम पहुंच गए सेंटर में, पार्क है यहाँ पर, ये बच्चों के लिए पार्क बहुत शानदार बना हुआ है। और 30 रुपीज़ इसकी टिकट चार्जेस है। और काफ़ी सारी बार्स हैं, रेस्टोरेंट है, लाइव म्यूज़िक चलता है, तो ये सारी जो फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत देखने को मिलती हैं। पैकेजेस वगैरह ये देखिए, काफ़ी शानदार इंटीरियर किया हुआ है और अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, लाइव म्यूज़िक चल रहा है। और जैसे जैसे रात होगी और उतनी ही ये सुंदरता बढ़ेगी, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह बहुत होती है यहाँ पर, तो देखने वाली होती है। तो यहाँ पर देखने आए थे कि कितने 7 बजे शुरू होगा इनका जो है लाइव म्यूज़िक, प्लस जो भी बार पब जो है पार्टीज़ वगैरह का वो सारा शुरू होगा। तो कॉस्टली होते हैं ये, अराउंड एक बंदे को 2500-3000 रुपया कॉस्ट पड़ती है अगर आप बैठते हो यहाँ पर, वो मिनिमम बता रहा हूँ आपको। बाकी तो आपके ऊपर है ना कि आपने कैसे मतलब कि इंजॉय करना है, उसके हिसाब से आगे की कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ये हम घूम कर आ रहे हैं मार्केट से, तो ये एक पुल है और यहाँ से ऊपर एक गांव पड़ता है, वहाँ ट्रैकिंग वगैरह है। ये लक्कड़ का पुल देखिए, पुराना ही है एज इट इज़, और कितनी बड़ी बड़ी किले लगी हुई हैं। मेंटेनेंस कम है, आउटर में मेंटेनेंस कम है, बाकी अंदर तो ठीक ही लगा। यहाँ पे सफाई सफुई जो है कम है। नहीं म्यूजिक नहीं होगा, म्यूजिक है, म्यूजिक म्यूजिक है यहाँ पर, लाइव म्यूजिक और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। हाँ इधर कोई नहीं, देख लेंगे। रेनबो रूम भी है ना, अभी भी जा रहे हैं हम। 5 तारा रेस्टोरेंट है वो, यहाँ पे भी लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो सोचा ये भी पता कर लेते हैं इसका भी। ये अच्छा है बड़ा हुआ, ये अच्छा।
अच्छा है ना, अरे लाइव है बंद है ना, बंद है तो अभी हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए। फिलहाल विलेज है एक नाम, और वहाँ पे कॉफ़ी हाउस वगैरह काफ़ी है, और वहाँ वो क्या कहते हैं जैसे कल 14 रुपए खर्चे थे ना, तो कैंप फायर बहुत होती है और कैंप वगैरह है, काफ़ी जगह वहाँ जाते हैं, रहते ना उसको करते हैं वहाँ पर, और पानी के पास और सारी उनकी खुशी होती है। सिर्फ वो उनके लिए होते हैं वहाँ जो बंदे स्टे करते हैं वहाँ पर, आउटर्स के लिए अलाउ नहीं होता। हम चले फिलहाल विलेज की ओर, जो 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं साथ साथ में आते लेके चलते हैं और बने रहे। यो देखो ये मन बनाया है पीओपी तक जाएंगे और वहाँ पे कॉफ़ी पी के आएंगे। तो हम जितने भी यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए थे पत्थरों पर, बस उनको देखते देखते आगे चलने जा रहे हैं, पीओपी तक जाएंगे, कॉफ़ी पी के आएंगे। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग, बड़े बड़े पत्थर और बिल्कुल रास्ता उबड़ खुबड़ और लोगों की हर्ट्स, यहाँ पे कॉफ़ी हाउस वगैरह कितना कुछ ऐसे शॉप्स मिल रही हैं छोटी छोटी, तो पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग और सब अपनी मस्ती में, और हम भी अपनी मस्ती में इस रास्ते को, जो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग असली, तो आपको पैर कभी ऊपर कभी नीचे और कभी पहाड़ के छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर नीचे हम निकलते हैं तो मज़ा आता है। तो ये साइन बोर्ड आते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, बस्ती नहीं है ये। इसको बोलते हैं पार्वती वैली, जो कि शुरू हो जाती है भुंतर से लेके मणिकर्ण तक, और इस पार्वती वैली में पूरा एंजॉय कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ये है पार्वती वैली, सारे जंगस्टर एंजॉय कर रहे हैं। Oh my god.
वुडन फॉरेस्ट। इतने सारे यहाँ पर लोग मतलब स्टे के लिए भी हैं और रेस्टोरेंट भी है, मतलब ज़बरदस्त है, लेकिन इसके पास ट्रैकिंग करना भी आसान नहीं है। और हम साइन बोर्ड के साथ साथ फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं और POP आ ही जा रहा है। और इसमें है कि आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए ट्रैकिंग का, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और तरह की फैसिलिटी नहीं है और कॉस्टली भी है, क्योंकि हर चीज़ मतलब कि 2 किलोमीटर उठा के लानी पड़ती है इनको। जैसे वैष्णो देवी में वो नहीं लोग होते हैं पीछे लगा के कंधों में लेके जाते हैं चीज़, ऐसे है। जो मर्जी है, सांस भी फूल रही है, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने का, क्योंकि ना ट्रैकिंग करते समय कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक जैसे ना मतलब कि कहते हैं ना मतलब कि जो लोकेशन देखे नहीं आ रहे हो उस तरह का आपका मूड होता है। जैसे धर्मस्थान पे जाते हो तो धर्मस्थान जैसा मज़ा आता है, और यहाँ पे जैसे पब्स वगैरह रेस्टोरेंट्स और ऐसा एक माहौल होता है ना, यहाँ पे भी एक अलग सी दुनिया होती है। तो ये चीज़ का यहाँ फन है पूरा। चिमनी का धुआं कैसे आ रहा है, तो दो पर्पज़ का काम करती है, बीच अंदर गर्मी भी होगी और किचन का काम भी होगा। लीजिए दोस्तों, छलाल गांव में पहुंच गए। ये देखिए 360 घुमा दी मैंने गांव की ओर, चलते हैं POP। देख लो पी लें, चाह भी लेने फिर तो चाह भी लेने। ये अंधेरा हो गया वापस आते हुए, कॉफ़ी पीने गए थे, चाय पी के आ गए। और देखिए रात को देखिए आप नज़ारा, क्या खूबसूरत लाइटनिंग है यहाँ पर, पूरा मज़ेदार है, जान पड़ जाती है मेरे ब्लड में ना, ऐसी एनर्जी आती है यहाँ पर, बहुत शानदार लगा मुझे माहौल। ये फिल्मी स्टाइल से जा रहे हैं अंदर लाइटनिंग में, और पूरी फीलिंग आ रही है वो वाली, जैसे गाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह नहीं आते शो में, और एक अच्छी शो दिख रही है। फ्रूट वाइन है ये देखते रंग बिरंगी फ्रूट वाइन। नंबर लगे बंदे बाहर है नहीं अंदर ना। ट्रैकिंग करके आ गए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे डिनर करने के लिए, तो बने रहिए। लीजिए फिर वापस आ गए बाहर, रेस्ट वेस्ट कर ली थोड़ी बहुत। मैंने सोचा वीडियो बंद करने से पहले एक बार फिर से आपको रात की रोशनी और पानी जो चल रहा है उसकी म्यूजिक और एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। Thank you, like this and enjoy.